नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं बॉइलिंग वाटर के बारे में। हम लोग जानेंगे कितनी स्टेजेस होती हैं हमारी पानी को उबालने की। तो यहाँ पे हमारी चार प्रकार की स्टेजेस होती हैं, या आप बोल सकते हैं चार लेवल हमारे होते हैं पानी के, जिनको कि आपको समझना ज़रूरी है। और ये चार लेवल के अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कुकिंग कर सकते हैं, वो उससे भी ज़्यादा समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपको मालूम है पानी का अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलूँ, आप लोगों को अब तक पता ही चल गया होगा, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 212 डिग्री 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। सिंपल सब हम जानते हैं, पर वहीं हम देखेंगे हम लोग जब भी कुछ भी कुक कर रहे हैं, चाहे वेजिटेबल है, पास्ता है, राइस है, तो हम लोग पानी को सिर्फ बॉइलिंग टेम्परेचर पर ला के ही कुकिंग नहीं कर रहे होते। हम लोग अलग अलग तरीके से पानी को यूज़ करते हैं। कभी हम लोग ठंडे पानी से किसी चीज़ को बॉइल करने की शुरुआत करते हैं, कभी एकदम खौलते हुए पानी में हम लोग कुछ चीज़ डालते हैं। तो डिपेंड करता है कि हमको क्या कुकिंग करनी है, उसके हिसाब से हम लोग उस इंग्रेडिएंट को डालते हैं। तो यहाँ इन चार लेवल्स को समझने के बाद आप भी वो जजमेंट कर पाएंगे और आपको भी चीज़ें आसानी से समझ आएंगी कि पानी की क्या लेवल्स होते हैं और किस स्टेज पे या किस लेवल पे आपको क्या कुकिंग करनी है। मैंने चारों के एग्जाम्पल भी मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ आता है हमारी सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब यह है कि आपने एक पतीले के अंदर, चाहे कढ़ाई के अंदर या किसी भी चीज़ के बोले पैन के अंदर आपने पानी डाला और आपने उसको अपने बर्नर या चूल्हे के ऊपर रख दिया। अब धीरे धीरे जैसे जैसे पानी उबलेगा, जो उसकी सबसे पहली स्टेज होगी, जिसमें कि बबल्स आप ना के बराबर कहते हैं, या आप इसको बोल सकते हैं गुनगुना पानी। तो यहाँ पे इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सिमरिंग। और इस स्टेज के अंदर हम क्या बॉईल कर सकते हैं, इस स्टेज के अंदर जो भी हमारी रूट वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे आलू हो गए, ठीक है जी, या मेरी शकरकंदी होगी, इस तरीके की वेजिटेबल्स को हम लोग बॉईल करते हैं। या फिर अगर आपने देखा होगा, मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे कुछ एक ऐसे अपनी हड्डियाँ वगैरह डालनी है, हड्डियों को मुझे अपना स्टॉक बनाना है, तो उस समय हम लोग इस वाली सिचुएशन गया, इस लेवल की बॉइलिंग वाटर का हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो आ जाती है हमारी लेज़ी बॉइलिंग। लेज़ी बॉइलिंग का मतलब है कि अब थोड़े थोड़े बबल्स आपके जो पैन के नीचे से निकलने लग जाते हैं, थोड़े से बड़े बड़े बबल्स आप बोल सकते हैं, 5 से 6 मिनट के बाद आपके बबल्स आने चालू हो गए। और इसके इस स्टेज में या इसके बाद जो स्टेज आती है, क्योंकि इसके बाद जो तीसरी स्टेज आती है, तब हमारा जो टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो जो ये वाली स्टेज होती है, ये वाली स्टेज होती है हमारी पोस्ट एग के लिए। पर अगर आप पोस्ट एग बना रहे हैं तो पहले आपको इसकी जो तीसरी स्टेज है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, उस पे जाना पड़ेगा। उसके बाद पानी को आपको बिल्कुल स्लो करना पड़ेगा, आपकी फायर को स्लो करना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो लेज़ी बॉयल या फिर आप लेज़ी सिमरिंग वाली स्टेज आएगी। तो इस सिचुएशन में या दूसरे लेवल पे आप अपने अंडों को पोच कर सकते हैं। अब तीसरी जो सिचुएशन आती है, तीसरा लेवल या तीसरी स्टेज आती है, उसको हम लोग बोलते हैं फुल बॉयल। फुल बॉयल का मतलब पानी आपका बिल्कुल खौल रहा है और इस समय पानी का जो तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस या फिर हमारा 212 डिग्री फारेनहाइट हो जाता है। इसके अंदर आपके जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है आप लोग वो बॉयल कर सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद उसको ठंडे पानी में निकालिए, वो एक अलग स्टोरी है। पर इस सिचुएशन में या 212 डिग्री सेल्सियस में आप अपनी सब्जियां हो गई, अपने राइस हो गए, उन सबको कुक करते हैं। अब इसके बाद एक और स्टेज आती है जिसको कि हम लोग बोलते हैं रैपिड बॉइलिंग, ठीक है जी। इस पहले में तो हमारी जो फुल बॉइलिंग थी, फुल बॉइल था हमारा पानी, इसके बाद रैपिड है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खौल रहा है, कि आप उसमें बहुत ज़्यादा उफान जैसा देखेंगे, ठीक है जी। तो इस प्रकार के जो बॉइलिंग होती है, मतलब कि वो हमारे 100 डिग्री से भी ऊपर पानी गर्म हो जाता है और इस तरह के पानी में हम लोग बॉइल करते हैं अपना पास्ता। जी हाँ, हम जब भी पास्ता बॉइल कर रहे हैं, हमें कोशिश करनी है कि रैपिड बॉइलिंग वाटर के अंदर हम उसे डालना है। और क्योंकि इस तरीके के पास्ता के अंदर या इस तरीके की स्टेज के अंदर पानी जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्म हुआ रहता है, और ये हमारी हेल्प करता है हमारे पास्ता को कुक करने में, या इसी प्रकार के कुछ और चीज़ें हम कुक कर रहे हैं उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने चारों स्टेजेस आपको बता दी हैं। इन चारों स्टेजेस के अंदर आप देखेंगे हमने अलग अलग प्रकार के इन्ग्रीडियंट्स का एग्जाम्पल लेके आपको बताने की कोशिश की है। बाकी आपको भी कुछ भी क्वेश्चंस हो इनसे रिलेटेड तो नीचे ज़रूर लिखिएगा, या इन किन किन स्टेजेस के बारे में आप जानते थे, क्योंकि अगर आप जैसे ये मेरी वीडियो देख रहे हैं या ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो इसके बाद आपको और भी कई सारी चीज़ें पता चलेगी, जिसमें कि जो मैंने सेम चीज़ें समझाने की कोशिश करी है उनको किसी दूसरे नाम के साथ या दूसरे तरीके के साथ बताया गया होगा। तो क्योंकि कलनरी आप बोलेंगे एक बहुत ही बड़ा वास्ट फील्ड है और अलग अलग तरह की चीज़ें होती रहती हैं।
तो सिंपली अगर मैं इसको सम अप करूंगा तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे सिमरिंग आ जाता है, दूसरा मेरा लेजी बॉयल आ जाता है, तीसरा मेरे यहाँ फुल बॉयल और चौथा मेरा रैपिड बॉयल आ जाता है। कुछ भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।